दोस्तों पाचन तंत्र के पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक छोड़े थे कि मुखगुहा में जबड़ा होता है, जबड़ा में दांत, जीभ एवं लाल ग्रंथि होती है। अब पिछले वीडियो को आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग, हाँ मैंने जरूर बोला था कि मेरा अगला वीडियो देखेंगे जिसमें मैं दांत का वीडियो डालूंगा, दांत का डिटेल्स बताऊंगा। तो आते हैं इस वीडियो में, पार्ट टू में, पाचन तंत्र का दांत अर्थात स्टडी ऑफ टीथ पढ़ना है, हम लोग को जानना है, दांतों का अध्ययन करना है। तो आते हैं देखते हैं कि दांत किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि दांत किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है, तो दांत जो बनी होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड एवं अन्य लवणों से मिलकर के बनी होती है। कितने चीज? तीन चीज दोस्तों आपको याद रखना होगा, कौन कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम फ्लोराइड एवं अन्य बहुत सारे लवण मिलकर के बने होते हैं, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कितना 85% होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 15% होती है एवं कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा एवं लवण की मात्रा कितना 5% होती है। तो आपसे ये पूछ दिया जा सकता है कि दांत के बनावट में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं, तो कौन कौन से? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम क्लोराइड एवं अन्य लवण। अगर ये पूछा जाए कि कैल्शियम फॉस्फेट कितना परसेंट होता है, तो 85%, कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 50%, और कैल्शियम क्लोराइड एवं अन्य लवण कितने होते हैं, तो 5%। अब उसके बाद ये जाते हैं कि दांत होता कहाँ है मुखगुहा में, तो दांत होता है जबड़ा के मसूड़े से में जुड़ा होता है। कहाँ होता है दांत? जबड़ा के मसूड़े में। और जबड़ा का डिटेल्स, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है पिछले वीडियो में मैंने किया है। अब यहाँ पे मसूड़ा आया है, तो मसूड़ा जो है ना, मसूड़ा से संबंधित एक बीमारी हम लोग को होती है पायरिया। कौन सा बीमारी होती है? पायरिया होती है। और पायरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण होता है। किससे होता है? प्रोटोजुआ। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि मसूड़ों में कौन सी बीमारी होती है, तो पायरिया। या पायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि पायरिया का कारक क्या है, किसके कारण होता है, तो वो प्रोटोजुआ। और अगर ये पूछ दिया जाए कि किस प्रोटोजुआ के कारण होता है, तो याद रखेंगे आप लोग एंटामीबा जिंजिवेलिस। क्या होता है? एंटामीबा जिंजिवेलिस, अर्थात पायरिया रोग का कारक कौन है? एंटामीबा जिंजिवेलिस। तो क्लियर, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। आगे आते हैं लोग, कि जब दांत जबड़ा के मसूड़ा में होता है, मसूड़ा में पायरिया होता है, पायरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है, और वो भी एंटामीबा जिंजिवेलिस प्रोटोजुआ के कारण होता है। आगे देखते हैं कि मसूड़ा होता है ना, मसूड़ा में दांत इस तरह से होता है, जो दांत है दांत का कुछ भाग होता है ना, ये माना मसूड़ा है ऊपर, यह क्या है? मसूड़ा। कुछ भाग दांत का मसूड़ा के ऊपर, कुछ भाग मसूड़ों के साथ बीच में, और कुछ भाग मसूड़ा के अंदर धंसा होता है। तो जो दांत मसूड़ा के ऊपर वाला जो दांत होता है, जो भाग मसूड़े के ऊपर होता है, उसे सिर या शिखर कहा जाता है। अर्थात दांत का जो सिर या शिखर वाला भाग होता है, वो मसूड़ों से बाहर ऊपर की ओर होता है। जो बीचों बीच मसूड़ों में होता है फंसा, वो होता है गर्दन कहलाता है, गर्दन या क्या? ग्रीवा कहलाता है। उसके बाद जो मसूड़ों के अंदर नीचे वाला भाग होता है, वो जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़। इंग्लिश में इसी को रूट बोलते हैं। तो याद रखेंगे हम लोगों ने जाना कि जो दांत होता है मसूड़ा में, उसका कुछ भाग ऊपर, मसूड़ा का जो ऊपर होता है उसे सिर या शिखर, जो मसूड़ा में के अंदर में होता है मसूड़ा में होता है गर्दन या ग्रीवा, और जो मसूड़ा के नीचे धंसा होता है वो क्या कहलाता है? जड़ या रूट। इसी को मसूड़े में धंसे दांत को हम लोग थेकोडोंट भी कहते हैं। अर्थात जो भाग मसूड़ा के अंदर होता है नीचे दांत का, उसको क्या कहा जाता है? थेकोडोंट कहा जाता है। अब बात आती है दांत की परत, दांत लेयर होता है, उसमें कितने लेयर से मिलकर के बना होता है। ये तो मैंने ऊपर में पढ़ा कि किन किन पदार्थों से मिलकर के बना होता है। अब दांत में लेयर होते हैं कितने, वो मालूम होना चाहिए। तो दांत का परत, दांत तीन परत से मिलकर बना होता है। कितने परत होते हैं दांत में? तीन परत। तो देखते हैं वो कौन कौन सा परत होता है दांत में। वो जो ये हुआ सबसे अंदर वाला परत, पहला परत, जो कि मज्जा गुहा कहलाता है। क्या कहलाता है? मज्जा गुहा। बीच वाला जो परत होता है वो डेंटाइन कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला जो परत होता है वो क्या कहलाता है? एनामेल कहलाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे दांत का परत, दांत कितने परतों में मिलकर के बना होता है? तीन परत में। सबसे जो अंदर वाला परत होता है वो मज्जा गुहा,
बीच वाला जो मध्य वाला परत होता है वो डेंटाइन, और सबसे ऊपरी परत जो होता है दांत का वो क्या कहलाता है? इनामिल। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम लोग समझेंगे, याद करेंगे। क्या है कि सबसे भीतरी भाग मज्जा हुआ होता है। यहाँ भी बनावट में हम लोगों ने देखा दांत का सबसे भीतरी भाग कौन सा है दोस्तों? मज्जा हुआ है। तो आपसे ये पूछ दिया जाए कि दांत का सबसे जो अंदरूनी परत होता है वो क्या कहलाता है? मज्जा हुआ कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, बीच वाला भाग डेंटाइन होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ डायग्राम में भी देख रहे हो कि बीच वाला भाग क्या होता है? डेंटाइन होता है, जो पीले रंग का होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि दांत का मध्य परत होता है वो क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। दोस्तों कभी अगर आपका दांत टूटा हो तो ये पता होगा, दांत आप लोग हाथ में लिए हो तो देखते होंगे आप लोग, ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन में देखे होंगे कि मध्य वाला भाग रियल में पीला होता है। तो ये दांत का मध्य वाला भाग डेंटाइन, और डेंटाइन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। उसके बाद है ये जो डेंटाइन होता है ना पीले रंग का, उसी से दांत का अधिकांश भाग बना होता है। तो आपसे पूछा जाए कि दांत का अधिकांश भाग किससे बना होता है? तो दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन से बना होता है। उसी से आप कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, यह हड्डी से भी अधिक कड़ा होता है। जो डेंटाइन होता है ना वो हड्डी से भी अधिक कड़ा होता है, और अधिकांश भाग डेंटाइन से बना होता है। इसी के कारण जनरली हम लोग ये भी जानते हैं कि दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। ये भी आप लोग मालूम करते चलो कि दांत के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट कहा जाता है। तो ये डेंटाइन तक के हम लोगों ने देखा, मज्जा हुआ तक के देखा। अब ऊपरी परत कहते हैं, दांत का सबसे जो ऊपरी परत होता है वो क्या होता है? एनामेल होता है। दांत का सबसे ऊपरी परत एनामेल होता है, ठीक है। आगे है, इसी के कारण दांत चमकीला या मुजला होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि दांतों में चमक किसके कारण होता है, तो दांतों में चमक एनामेल के कारण होता है। दांत का रंग उजला क्यों होता है, तो किसके कारण? एनामेल के कारण होता है। आगे है कि एनामेल का कार्य क्या है, जो सबसे ऊपरी परत है दांत का एनामेल, उसका कार्य क्या है? तो एनामेल का कार्य है दांत को सुरक्षा देना। दांत को सुरक्षा देने का कार्य एनामेल को है। साथ ही ये एनामेल से एक और क्वेश्चन बनता है कि यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। जब पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे तो वहां पे याद होगा कि मानव शरीर में अगर सबसे कठोर मांसपेशी अगर पूछी जाए तो वो जबड़ा होता है, और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है? इनामेल होता है। कौन सा? इनामेल। यहां तक कि आप लोग क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद हम लोग को बात आती है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि दंत अस्थिच है वो क्या होता है, फिर है कि दंत प्लाक क्या होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि दंत अस्थिच है और दंत प्लाक क्या है। आते हैं, दंत अस्थिच। तो दोस्तों दंत अस्थिच है दांतों में होने वाली एक बीमारी है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम लोग कोई मीठी चीज खाते हैं तो मीठी चीजों में शर्करा की मात्रा होती है, और वो शर्करा दांत के ऊपरी परत पर क्या हो जाती है? रुक जाती है और फंस जाती है। तो बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया उस शर्करा से अभिक्रिया करके एक अम्ल बना लेती है। अब अम्ल बनाती है तो वो अम्ल जो है वो दांत का जो ऊपरी पार्ट, अभी पढ़ रहे थे कि एनामेल जो होता है, यहाँ पे दांत का जो ऊपरी पार्ट हम लोग देख रहे थे एनामेल, ये एनामेल को नरम कर देता है। अर्थात जब शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो वो शर्करा कुछ फंस जाता है दांत में, तो वो उससे जो बैक्टीरिया अभिक्रिया करके एक अम्ल बनाता है, और वो अम्ल जो है इनामेल को जो परत होता है उसको नरम कर देता है। नरम होने के फलस्वरूप क्या होता है कि इनामेल में छिद्र हो जाता है, जिसे उस छिद्र को हम लोग दंत अस्थिक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत अस्थिक्षय कहते हैं, जिसके कारण दांत में फिर क्या होती है? दर्द होती है, जिसे हम लोग अपने देहाती भाषा में दांत का खोड़ होना भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा दंत अस्थिच है क्या, कि जब हम लोग कोई मीठी चीज खाते हैं तो मीठी चीज में शर्करा होती है, वो दांतों में फंस जाती है, फिर बैक्टीरिया उससे अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है, वो अम्ल जो होता है एनामेल के परत को जो हार्ड होता है उसको नरम बना देता है, जिसके फलस्वरूप दांतों में धीरे धीरे छिद्र हो जाता है, और उस छिद्र के कारण दांत में दर्द होती है, उसी छिद्र को हम लोग दंत अस्थिच है कहते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि दंत प्लाक क्या,
अगला पॉइंट है दंत प्लाक। ये दंत प्लाक क्या होता है? तो दंत प्लाक हम लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जब हम लोग कोई महीन भोजन करते हैं तो वो दांतों से चिपक करके एक परत बनाता है, नहीं हटता हो अगर और परत बना लेता हो महीन परत मुलायम, तो उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं? दंत प्लाक बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? बीमारी होता है जिससे बदबू आती है। जब इसीलिए हम लोग रोज प्रतिदिन जब सुबह में उठते हैं तो क्या करते हैं? दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं कि दांतों का क्या काम है। तो दांतों का काम हमारे शरीर में है, सॉरी दांतों का काम जो है वो हमें भोजन को काटना, चबाना, पीसना। उसके बाद आता है बात कि मनुष्य में दांत कितने होते हैं। मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है जो कि द्वितीय दांत कहलाता है, और इन सब का डिटेल्स अगली वीडियो में भी मैं दूंगा। फिलहाल इतना तक ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे अगले वीडियो के साथ बने रहें जिसमें मैं ये बताया हूँ कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का क्या कार्य है, मनुष्य को दांत के आधार पर किस नाम से जाना जाता है, दांत की संरचना कैसी है। तब तक के लिए धन्यवाद।